भगवान और भक्ति का मिलन बगीचे में ही होता है। दो बगीचा है धरती पे, एक पुष्प वाटिका, एक है अशोक वाटिका, और दोनों जगह भक्ति मिलती है। सीता मैया भक्ति है, तो यहां भी भक्त और भगवान का मिलन है। और सीता जी की सखियों ने राम जी को देख लिया और देख के आके अपनी सहेलियों से चर्चा करती है। बगीचे को देखने दो राजकुमार आए हैं, वह किशोर है, उम्र छोटी है, बहुत सुंदर है, श्याम गौर की मैं कहूं बखानी, एक सांवला और एक गोरा, कैसे बखान करे। तो किसी ने कहा क्यों नहीं कर पा रही हो, तो कहते गिरा अनैन नयन बिनु बानी, जिसने देखा उसके पास बोली नहीं है और जो बोल रही है उसके पास आंखें नहीं है, इसलिए बताया नहीं जा सकता। सब आनंदित हुई, एक कहती है, एक कहे नृप सुत तैयारी कि राजा के पुत्र है, सुना है कल ही मुनि के संग आए। तभी भगवान राम ने सीता मैया को देखा और कहते हैं, तात जनक तनया यह सोई, हे तात, ये जनक जी की कन्या है, धनुष यज्ञ जही कारण हुई, जिसके कारण ये धनुष यज्ञ हो रहा है। फिर आगे कहा, जासु विलो की अलौकिक शोभा, जिसकी अलौकिक शोभा देखकर सहज पुनीत मोर मन शोभा, मेरे मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ है, लेकिन ये क्षोभ सहज है, पवित्र है। क्षोभ कहीं सहज हो सकता है? क्षोभ का मतलब ये तनाव, क्षोभ का मतलब ये डिस्टर्ब हो गया। और वो कहते हैं, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा, ईश्वर के अंदर क्षोभ तो होता नहीं, अगर वो बोल भी रही है, बोल रहे हैं कि क्षोभ है, तो सहज ही होगा और पुनीत ही होगा, पवित्र ही होगा। सहज असहज नहीं, और लौकिक शोभा नहीं अलौकिक शोभा। जासु विलोक की अलौकिक शोभा, लौकिक अलौकिक का फर्क समझते हैं? जो सौंदर्य, जो शोभा ब्यूटी पार्लर से मिले वो लौकिक है, और जो सहज रहे वो अलौकिक है। जो शाश्वत है, मिट्टी नहीं शोभा, वो अलौकिक है, और बुखार लगे तो शोभा बदल जाए तो ये लौकिक है। जासु विलोक की अलौकिक शोभा, सिर्फ ये कथा हमने इसलिए सुनाई कि लौकिक और अलौकिक का फर्क समझ में आ जाए। जासु विलोक की अलौकिक शोभा, सीता मैया के लौकिक देह को नहीं बल्कि उनके अलौकिक सौंदर्य को, जो उनके भीतर की लक्ष्मी है, शक्ति है, देवी है, उनको देखकर सहज पुनीत मोर मन छोभा। और इधर बोली राजा रामचंद्र भगवान की, सीता मैया ने नहीं देखा था, लेकिन लता झुरमुटों के बीच से दोनों भाई निकले। लता भवन ते लता झुरमुटों से निकले, लेकिन उनके चेहरे पे पसीने की बूंदे थी। तो सीता मैया मन ही मन सोच रही है, क्या है तो ये लोग बड़े सुंदर, लेकिन फूल तोड़ने आए हैं, और जिनका फूल तोड़ने से पसीना आ जाए,
ये क्या धनुष तोड़ेगा, कि हम तो सोच रहे थे कि यही तोड़ देते, लेकिन फूल तोड़ते तोड़ते इतने नाजुक है कि पसीना आने लगा, तो धनुष तो इनसे टूटने से रहा। और जाकर पूजन करने गई, स्तुति प्रारंभ किया कि हे गिरिराज की कन्या, हे महेश मुख चंद चकोरी, हे भोलेनाथ की प्रियतमा, हे गणपति जी की मैया, हे कार्तिकेय जी की मैया, आप जगत जननी हैं, आप सृष्टि के उत्पत्ति पालन संहार की कारक हैं। आशीर्वाद मिला, मूर्ति मुस्कुराई, फूल गिरा और आवाज आई, जाहिराच हो मिलहि सोभल सहज सुंदर सावरो करुणानिधान सुजान सेतु सनेह जानत रामरो मनु जाहिराच हो मिलहि सोभल सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सीलो जानत रावरो। ये धाति गौरी आशीष सुनिसिया, सहित हर सियली तुलसी भवानी, पूजि पुनि पुनि मोदित मन मंदिर चली, पाति गौरी आशीष सुनिसिया, सहित हर सियली तुलसी भवानी, पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली। आशीर्वाद दिया गौरी मैया ने कि मन में जो आपने रखा है वही वर आपको मिलेगा। आशीर्वाद मिला, गौरी मैया अनुकूल है, ये सीता जी ने समझ लिया। सब प्रकार मंगल ही हो रहा है और बाया अंग फड़कने लगा। हम लोगों की मान्यता सबकी ये रहती है कि अगर पुरुषों की दाहिनी आंख फड़के तो शुभ है और महिलाओं की बाई फड़के तो शुभ है। हृदय सराहत सीए लुनाई, गुरु समीप गवने दो भाई। हृदय से सीता मैया की सराहना करते हुए गुरुदेव के पास गए, सुमन पाई मुनि पूजन की, पुनि आशीष दुभाई दीनी। पुष्प मिला, गुरुदेव ने पूजा किया, दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? सफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। तुम दोनों के मनोरथ सफल हो जाए। तो मनोरथ तो कुछ लेके गए नहीं, अरे गुरुदेव गए हैं, हम भी साथ में गए, लेकिन गुरुदेव जानते हैं कि इन दोनों की शादी होने वाली है। तोड़ेगा एक लेकिन इसकी भी होगी। बोलना तो ये चाहिए था कि सफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन भरत शत्रुघ्न भय सुखारे, क्योंकि चारों का हो रहा है। अब इधर धनुष यज्ञ की व्यवस्था हो गई है, देश देश से राजा बुलाए गए थे, सुंदर सजावट, मध्य में धनुष रखा हुआ है, सिंहासन लगे हैं हर प्रकार के। सतानंद जी आए विश्वामित्र मुनि को बुलाने, भगवान राम ने आकर नमन किया। लखन कहा जस भाजन सु, विश्वामित्र मुनि ने कहा कि देखो यश किसको मिलता है पता नहीं, लेकिन लखन जी ने कहा
लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तव जापत होई। आपकी कृपा जिस पर होगी वही यश का भाजन होगा। और चले कहा रंग भूमि जहां धनुष रखा था। जैसे ही भगवान वहां पहुंचे, सबको प्रभु के दर्शन करके अलग अलग अनुभूति हुई। कैसी अनुभूति हुई? शत्रु राजाओं को बड़ा भारी दुश्मन दिखाई पड़ा, भक्तों को भगवान दिखाई पड़े, संसारियों को कामदेव दिखाई पड़े। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। वास्तव में संसार को जैसा है कोई भी नहीं देख पाता। एक तो सरकने वाला संसार, बदलने वाला संसार, आंखों के सामने से अभी जो था अभी गुजरा वो बदल चुका होता है। शरीर की कोशिकाएं बदल जाती है, पलक झपकाए खोले तब तक जो था वो नहीं है। नदी ने खड़े हो ये जो जल की धार और जिन बूंदों ने स्पर्श किया था, आप कहते उसी पानी को हम छुए हुए हैं, वो पानी तो कब का गंगा सागर जा चुका, अब दूसरे जल की बूंदे आ गई। सब बदल रहा है और इस बदलते में स्थिर कहां करेंगे? तो इस बदले में संसार को यथार्थ कैसे देख पाएगा कोई? इसलिए मनोभाव के हिसाब से तत्काल एक परसेप्शन, एक अनुमान बनाया जाता है और मान लिया जाता है कि यही है। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। पहुंचे वहां सभा में, सब इंतजाम हो गया था। जितने राजा थे सब एक दूसरे को देख के चिढ़ रहे थे। एक से एक वेशभूषा, बड़े बड़े सम्राट पधारे थे। देखते थे वो, ये भी आया, ये भी नरेश बेकार में आए, मैं तो ऐसे ही उठा लूंगा उसको, चले जाए कोई फायदा नहीं। सब एक दूसरे के लिए ऐसे ही सोच रहे हैं। और भगवान जब पहुंचे, बोले ये बच्चा क्या करेगा? रंग भूमि जब सिए पग धारे, सीता जी आई तो देख सब लोग मोहित हो गए। साक्षात लक्ष्मी जी पहुंच गई है। राजा जनक के बंदी जन ने घोषणा की, नृप भुजबल विधु शिव धनुराह, गुरु कठोर विदित सबका। शिव धनु जो है ये राहु है। घोषणा कर दी कि जो इसे प्रत्यंचा पे चढ़ा देगा, सीता जी का विवाह उसके साथ होगा। कहते हैं कि चंद्रमा की उपमा दे दी राजाओं ने, वो इसलिए दी कि धनुष राहु है, ग्रसने वाला है। किसी ने कहा इतनी बात तो नहीं होगी, तो क्यों कहा? तो बोले जब समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले, लक्ष्मी और चंद्रमा दोनों एक साथ, तो दोनों भाई बहन है। और ये सारे राजा चंद्रमा और सीता जी तो लक्ष्मी है, भगवान राम नारायण है, तो भाई बहन का तो विवाह होगा नहीं, तो बेकार में आए नहीं, तो इनको चंद्रमा कह दिया। और चंद्रमा अपने स्वयं प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। इसलिए कहा आप लोग चंद्रमा और सूर्यवंशी तो बैठे हुए। ऐसे अनेक बातें हुई। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सब राजा, आपने रामलीला देखी है? राजा लोग बड़ी बड़ी मूछें और उनके देखने का भी तरीका, एक दूसरे को देख रहे हैं, तो नशे में ये राजा लोग यहां बैठे हैं। भगवान सामने विराजमान है, भगवान भी आ जाए ना तो लोग पहचान नहीं पाते, तो नशे में इतना जाते हैं कि अब चले उठाने के लिए,
तो आराम से चले जाओ भाई, एकदम ऐसे तमक तमक के चले और एक दूसरे को देखते बेकार में आया, अभी जा रहा हूं ना, और जाके एक बार में उठाया और पकड़े, बस पसीना पोंछे और लौट गए, सब लौट गए। 10,000 हुआ प्लानिंग कर लो, अभी राम जी को कोई बोल ही नहीं रहा, ये 10,000 राजा ने योजना बनाई कि सब मिलके उठाओ, तो उनको प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा कि 10,000 उठाएगा तो शादी कौन करेगा, समस्या तो ये भी है ना। तो बोले बाद में आपस में लड़ के फैसला कर लेंगे, पहले उठाओ तो सही। अब जहां पहले ही योजना हो कि लड़ाई होनी है तो वहां क्या होगा, ये लड़ने की योजना पहले बना के बैठे कि पहले तो धनुष उठाओ फिर लड़ लेंगे हम लोग, फिर फैसला करेंगे। तो ये चले 10,000 राजा एक बार गए, डगई न शंभु सरासन, कैसे नहीं डगाओ धनुष। आप सोचिए कि जब बीच में धनुष रखा है, इतने आदमी बैठे हैं, तो 10,000 राजा जब खड़े हुए होंगे एक धनुष को उठाने के लिए, तो लाइन तो 3 किलोमीटर में लग गई होगी, तो बाकी लोग कहां गए। तो बोले नहीं, वो धनुष ऑटोमेटिक था, जैसे पुष्पक विमान के एक आदमी बैठे तो छोटा हो जाए और ज्यादा बैठे तो बड़ा हो जाए, तो वो धनुष क्योंकि 10,000 पकड़ेंगे किधर से उसको एक साथ, कि भाई 10,000 राजा उस धनुष कितना बड़ा होगा और सब तो सिंहासन लेके बैठे। तो बोले वो बढ़ता था, जैसे लोग जाए बढ़े, तो बढ़े तो क्या होता था, सिंहासन लेके भागते थे पीछे, क्या करते होंगे। तो एक संत ने कहा कि एक बार में 10,000 नहीं, भूप सहस 10 एक ही वारा, वार किसको कहते हैं, तिथि योग लगन ग्रह वार तिथि, सूर्योदय से सूर्यास्त तक को हम एक वार कहते हैं, रविवार सोमवार गुरुवार बुधवार, तो भूप सहस 10 एक ही वार, सुबह से शाम तक हो गई, 10,000 आए और गए, धनुष नहीं टूटा। ये मतलब था उनका कि बारी बारी से आए। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब यहां जब धनुष नहीं टूटा तो राजा जनक बड़े निराश हुए, सभा के मध्य में गए और कहने लगे, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। दीप दीप से कोई इंडोनेशिया द्वीप से आया है, कोई मलेशिया द्वीप से आया है, कोई बाली द्वीप से आया है, सब अलग अलग द्वीप से आए, केवल किसी भारत के राजा नहीं थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए जो पन हम पन उठाना। अब बोले कि भाई अब रहने दीजिए, बहुत हो गया। अब राजा लोग आपस में लड़ने लगे कि नहीं ऐसे कैसे जाएंगे, कि ये धनुष तो अब स्वयंवर करवा दीजिए, सीता जी जिसको गले में डाल दे। तो राजा रणक ने कहा, आप जाइए कि मेरी और बेइज्जती ना करवाएं, मुझे मालूम होता कि धरती सुकृत जाई जो पनु परिहरो, कुंवरी कुंवरी रहो का करो, बेटी मेरी कुमारी रहेगी, तजहु आस निज निज गृह जाहु, आशा छोड़िए अपने अपने घर जाइए, लिखा न विधि वैदेही विवाह, वैदेही के भाग्य में विवाह नहीं लिखा है, यदि मुझे मालूम होता कि धरती वीरों से खाली हो गई है तो मैं ये प्रतिज्ञा करके जग हटाई नहीं। कोई नहीं बोल पाया, लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। लक्ष्मण जी सभा के मध्य में गए और कहते, कही जनक जसी अनुचित वाणी, हे जनक जी आपने अनुचित कहा, विद्यमान रघुकुल मणि जानी, रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम यहां विद्यमान है, और रघुवंशी जहां कोई हो
वहां ऐसी बात कोई नहीं बोलता। और क्रोधित होकर लखन जी ने कहा कि मैं हंसी में नहीं कह रहा, सुनहु भान कुल पंकज भानो, कहूं सुभाव न कछु अभिमानो, जो तुमरे अनुशासन पाओ कंद कियो ब्रह्मांड उठा। आपकी आज्ञा हो तो इस ब्रह्मांड को बॉल की तरह उठा लो, ये धनुष क्या चीज है, कच्चे घड़े की तरह से फोड़ दो, कनल कमल नाम जी में चाप चढ़ाओ, सत जो जन प्रमाण ले दो। किसी ने कहा कि पक्के हुए घड़े की तरह फोड़ने की बात क्यों नहीं कही, कच्चे घड़े की तरह। बोले पका हुआ घड़ा फूट जाए तो फिर मिट्टी में मिल नहीं पाता, और कच्चा घड़ा फूटे तो अपने स्वभाव में आ जाता है। इसलिए लखन जी कहते हैं कि जो है मूल स्वरूप में पहुंचा दूंगा। कमल नाल जी में चाप चढ़ाओ। अब ये सुन के राजा जनक तो संकोच में आ गए, और जो न करूं तो प्रभु पद शपथ, अगर न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है। अब विश्वामित्र से सोचे होंगे धनुष तो राम जी को छोड़ना है, ये बीच में कहीं तोड़ ना दे जाके, अरे शपथ भी लेने लगा। बोले बस इससे जाते हैं कि धनुष इनको तोड़ना है। सीता जी तो हर्षित हुई, आनंदित हुई। जनक जी संकोच में आगे, मुझसे गलती हो गई, और भगवान राम को इशारा करते हैं गुरुदेव, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेट हुतात जनक परिताप। ये नहीं कहा कि राजाओं का मान तोड़ो, इन्होंने अहंकार दिखाया है, धनुष तोड़ के दुनिया को दिखाओ कि हम भी कुछ हैं। उन्होंने कहा जनक जी का दुख दूर कर। गुरु कभी भी कहा तोड़ने के लिए क्यों कहा, क्योंकि प्रतिज्ञा तो ये नहीं थी, चांप चढ़ाना था केवल, और गुरुदेव कहते तोड़ दो। उठो राम भंजहु भव चापा, इसको तोड़ ही दो, ये अहंकार का प्रतीक है। और गुरु कभी भी अपने शिष्य के अहंकार को चढ़ाने की अनुमति नहीं देते, तोड़ने की अनुमति देते। गए भगवान जैसे मंच पे, तो उनको देख के ऐसे लगा जैसे बाल स्वर्णिम सूर्योदय हो गया। सुबह सुबह पहाड़ी से जाइए और सूरज निकले, जो सौंदर्य होता है वो भगवान को देख के वैसा सौंदर्य दिखाई दिया। भगवान पहुंचे मंच पे, और इधर तब राम ही विलो की वय देही, सभय हृदय विनवती जही देही, कि हे भगवान, सभी भगवान, आम आदमी हिंदू है तो भले उनके इष्ट देव हो, लेकिन 33 कोटि देवता का नाम लगा, हे राम जी, हे हनुमान जी, हे गायत्री माता, हे काली माता, हे कन्हैया, काम बना दो, सबका नाम लाइन से, 33 कोटि देवता सीता मैया जप रहे हैं कि गणनायक वरदायक देवा, आज लगी कि नहीं तो सेवा, बार बार बिनती सुनी मोरी, करहु चाप गरुता अति थोड़ी, ये धनुष का भार थोड़ा हल्का कर दीजिए, मैंने इसी दिन के लिए इतने दिन तक पूजा किया कि मेरी शादी तो हो जाए और इन्हीं से हो जाए, इसके लिए प्रार्थना करती है। लक्ष्मण जी सावधान करने गए कि हे दिक्पालो, इस पृथ्वी को ठीक से पकड़ लो, कहीं फिसल न जाए, धरहु धरनी धरि धीर न डोला, राम चहै शंकर धनु तोड़ा, राम जी शिव जी का धनुष तोड़ने जा रहे हैं, हो सजग सुनी आय सुमोरा, मेरी बात सुन के सावधान हो जाइए, कहीं ब्रह्मांड हिल न जाए, तो विस्फोट होने लगा। तभी राम जी मध्य में गए और धनुष को छुआ, और छूते ही तेछन राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन भूमि भोर कटोरा, तेछन राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन भूमि भोर कटोरा। उसी क्षण में धनुष दो टुकड़े में बट गया। तो किसी ने कहा कि पलक उठाई और गिराई तो उतने देर में वो धनुष टूट गया। तेछन राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन भूमि भोर कटोरा, तेछन राम।
एक संत कहते हैं कि नहीं, धरती आकाश पाताल ये बीच में धरती पे मध्य में ये धनुष रखा है, इसलिए दैछन राम मध्य धनु तोड़ा भरे भुवन भूमि भोर कठोर, दैछन राम मध्य धनु तोड़ा भरे भुवन भूमि भोर, मध्य में तोड़ा है तो कहे कि धनुष एकदम बीच से टूटा इसलिए मध्य में, तेजन राम मध्य धन तोड़ा भरे भुवन भूमि भोर कठोरा, तेजन एक संत ने कहा तीन धनुष है, एक गांडीव अर्जुन के पास, एक नारायण का धनुष और ये शिव जी का धनुष बीच वाला है, ये बीच का धनुष टूटा इसलिए तेजन राम मध्य धन तोड़ा भरे भुवन भूमि भोर कठोरा, तेजन राम मध्य धन तोड़ा। एक ने कहा पूरी सभा के मध्य में तोड़ा इसलिए तेजन राम मध्य धन तोड़ा भरे भुवन भूमि भोर कठोरा, तेजन राम मध्य धन तोड़ा भरे घोर कठोर। गर्जना हुई, सुर मुनि सब कान का पर्दाना पट जाए, प्रभु दौ चाप खंड मही डारे, देख लोग भय सब भय सुखारे, दोनों टुकड़े जमीन पे डाल दी, जय जयकार होने लगी। और अब तो धनुष टूटते ही विवाह मान लिया गया कि अब तो विवाह इन्हीं से होगा। और सीता जी जाती है पैर छूने, लेकिन डर ये लगता है कि ये तो जादूगर है, पत्थर छू दी नारी बन गई, कहीं मैं छू दूं कुछ और बन जाऊं। गौतम तिये गति सूरत करी नहीं पर सती पगपान, गौतम की पत्नी की बात सोच के वो पैर नहीं छूने जा रहे हैं। और बरवाला मंगाई, लेकिन राम जी थोड़े बड़े थे, सीता जी छोटी थी, तो जितनी सखियां थी उनकी वो आके उनको मनाने लगी, थोड़ा झुक जाइए, झुकने की विनती की सबने। और विनोद में लोग कहते हैं कि लखन जी गए और जाके पैर छू लिया भगवान का, बोले भैया आपने तो कमाल कर दिया, छूते ही धनुष टूट दिया, और लखन जी को उठाने के लिए झुके, धीरे से माला पहना।